तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गाइस कि जो है आप अपने मैक्स प्लेयर को अगर यूज़ करते हो, जो कि आपको पता ही होगा कि एमएक्स प्लेयर जो है प्ले स्टोर का ही ऐप है, तो उसको आप जो है अगर बाई चांस या हिंदी हो गया लैंग्वेज या फिर इंग्लिश हो गया या फिर आप जिस भी भाषा में चलाना चाहते हो तो चला सकते हो। उसमें जो है काफ़ी लिमिटेड भाषा दिए हुए हैं, लैंग्वेज चेंज कर सकते हो आप। जी हाँ, तो यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं ओपन करता हूँ तो भाई देखो यहाँ से आपको काफ़ी सारे सब कुछ हिंदी में दिख रहा है, तो बहुत लोगों को हिंदी कंफर्टेबल नहीं लगता है। थ्री डॉट पे क्लिक कर दो आप तो रिफ्रेश कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से, और उससे अलावा आपको आप लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन कहीं पर नहीं देने वाला है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर देखो फोल्डर्स का ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है गाइस, ऊपर देखो ऊपर ध्यान से हिंदी रहेगा तब भी देगा और इंग्लिश रहेगा तब भी वो ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो इस पर क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा एक ऑप्शन यहाँ पर, नीचे आ जाओगे आप ऊपर तो ऐप की भाषा, ऐप की भाषा में आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अभी देखो ये हिंदी में है तो सिस्टम डिफ़ॉल्ट पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर भाषा बदलने के लिए पुनः आरंभ करें तो इस पर हम क्लिक करेंगे और देखो गाइस यहाँ पर तब भी फोल्डर का ऑप्शन है, आप यहाँ से इंग्लिश भी कर सकते हो और जो यहाँ पर ऐप लैंग्वेज पे क्लिक करके यहाँ पर देखो इस तरह का, और हिंदी भी कर सकते हो, कोई भी लैंग्वेज आप मैक्स प्लेयर में यहाँ से चूज कर सकते हो।